स्वागत है आपके अपने चैनल में एंटी निंजा टेक्निकल वॉकर्स में। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला सुजुकी बगमैन BS6 मॉडल है। गाड़ी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ और करंट गाड़ी में आ रहा नहीं है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए रहेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और हेल्पफुल होने वाला है। आए दिन आपके गैरेज में भी BS6 की गाड़ी आएगी, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आने वाले टाइम पे अगर आपके गैरेज पे गाड़ी आए तो घंटों का काम कुछ ही मिनटों में कर सकते हो। चलो आइए आपको गाड़ी के नज़दीक लेके जाते हैं। गाड़ी पूरा ओपन है, सोचा आपके लिए एक छोटा सा एक वीडियो बना दूँ। चलो आइए गाड़ी के नज़दीक लेके जाते हैं और आपको गाड़ी का एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है वो आपको बताते चलेंगे। चलो आइए। तो हमने बैक बोनट पूरा ओपन कर लिया था, फिर भी आपके लिए दिखाते हैं। देखो ब्रांड न्यू गाड़ी है, गाड़ी का थ्रोटल बॉडी पूरा ब्रांड न्यू, वायरिंग वगैरह सब कहीं से भी डैमेज नहीं था। गाड़ी में था सेंसर प्रॉब्लम, वो भी आपको बताते चलेंगे सेंसर प्रॉब्लम। तो देखिए आप कितना इंटरेस्टिंग गाड़ी होने वीडियो होने वाला। चलो आइए आपको नज़दीक लेके जाते, करंट प्रॉब्लम दिखाते और गाड़ी में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है वो भी दिखाते चलेंगे। तो दोस्तों अब हम चाबी स्विच ऑन करेंगे। ऑन करें, देखो डिजिटल मीटर है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, गाड़ी में कोई चेकलेट नहीं चली और गाड़ी मात्र 6255 किलोमीटर चली है, मतलब 7000 किलोमीटर भी चली नहीं है। और आ गया है सेंसर प्रॉब्लम। तो आइए आपको बताते कौन सा सेंसर प्रॉब्लम है वो भी आपको बनाएंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आइए अब लेके चलते हैं आपको, करंट क्यों आ रहा है और सेल्फ नहीं हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। चलो आइए सेल्फ मारिए। देखो सेल्फ मार रहे, क्लच स्विच दबा के भी, क्लच ब्रेक स्विच दबाने के बाद भी, ब्रेक दबाने के बाद भी कोई मूवमेंट नहीं है। देखो कोई मूवमेंट नहीं है, देख सकते हैं आप, ब्रेक दबाने के बाद कोई मूवमेंट नहीं है। चलो आइए आपको अभी किक मार के भी दिखाएंगे कि गाड़ी में करंट है या नहीं है। अभी आपको किक मार के भी दिखाएंगे, एक सेकंड। किक मारिए, देखो किक मार के भी दिखा रहे हैं, किक भी मारे, आपको आवाज़ मालूम ही पड़ रहा है, लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं है। देखो काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा गाड़ी है, बहुत कन्फ्यूज़न है। और चलो आइए आपको चेकिंग करके दिखा दे, कहीं ECU तो शॉर्ट नहीं है वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों करंट का प्रॉब्लम है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले पिकअप कॉइल के तरफ चेक करेंगे, कहीं पिकअप कॉइल ख़राब तो नहीं हो गया, या तो ऑफ रोडिंग की वजह से भी गाड़ी में करंट का प्रॉब्लम होता है। पिकअप कॉइल के ऊपर धूल बैठने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले पिकअप कॉइल का चेक करेंगे, ये ब्लू और येलो वायर और ये वाइट और ब्लैक वायर, इसमें अपन चेक करेंगे करंट आ रहा है या नहीं, कितने का रीडिंग आ रहा है वो भी आपको बताते चलेंगे। तो उसके लिए अपने को मल्टीमीटर लेना पड़ेगा, मल्टीमीटर को के पे रखना पड़ेगा, इसका मतलब 2000 पे रखना पड़ेगा। और मल्टीमीटर का एक प्रोब, दोनों प्रोब लगा के आपको दिखाएंगे। सिंगल हैंडेड थोड़ा टफ हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग के लिए इतना वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम पे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो दोस्तों हमने अब पिकअप कॉइल का रीडिंग दिखाने के लिए आपको दिखाते चलेंगे। और कंपनी रिकमेंड ये कहा जाता है कि 180 से लेके 280 तक होना चाहिए। देखिए हमने दोनों प्रोब लगा दिया और आपको लाइव प्रूफ शेयर करते रहेंगे। 243, इसका मतलब पिकअप कॉइल का कोई इशू नहीं है। चलो अभी आप जाएंगे मैग्नेट कॉइल की तरफ जाएंगे और दिखाएंगे आपको। मैग्नेट कॉइल के लिए अपने को रखना पड़ेगा मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे, और यह है मैग्नेट कॉइल का वायर सॉकेट, इसको अभी लगा देंगे अच्छे से। अभी ये मैग्नेट कॉइल का सॉकेट है, उसके लिए दोनों मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे, एक प्रोब लेंगे इस ये एंड पे और दूसरा प्रोब, एक सेकंड, दूसरा प्रोब लेंगे इस पे, बजर नहीं चल रही। तो दोस्तों अभी हमने दोनों प्रोब लगा दिया है मैग्नेट कॉइल वाले वायर में, पीले वाले वायर में, और आपको कंटिन्यूटी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। देखो थोड़ा आवाज़ कम है मल्टीमीटर में, तो दोस्त मैकेनिक भाइयों समझने की कोशिश करिए, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब ये था कि मैग्नेट की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही पिकअप कॉइल की तरफ से प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आपको चलेंगे ECU की तरफ और उसके बाद करेंगे इग्निशन कॉइल का चेकअप। चलो आइए। तो दोस्तों हमने अब देखो रिले भी आपको दिखाएंगे, रिले डायरेक्ट करिए। देखो करंट रिले डायरेक्ट करने के बाद एक बार और फिर से रिले डायरेक्ट करिए, देखो फिर भी करंट नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी समस्या है। आप सबको दिखाते चलेंगे, ये है इसका ECU और ECU में मेन वायर कौन सा है वो भी आपको बताएंगे। ये इसकी गाड़ी का ये ECU का पार्ट नंबर है। थोड़ा फोकस बनाते हैं, रात का टाइम है फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते चल रहे हैं। देखिए ये है पूरा वायरिंग, ब्रांड न्यू वायरिंग है, कहीं से भी वायरिंग कटा नहीं, ना चूहे ने खाया है। घबराइए ना, वीडियो फ्रॉड नहीं होगा, आपको लाइव प्रूफ शेयर करते चलेंगे।
चलो आइए आपको सॉकेट खोलते हैं अभी और आपको बताते हैं मेन वायर कौन सा है और उसमें करंट आना चाहिए और आउटपुट भेज रहा है नहीं वो भी आपको बताएंगे, कहीं ईसीयू तो शॉर्ट नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बता रहे हैं, अगर घाई से खोलोगे तो टूट जाएगा, इसीलिए आपको ये प्रेस करके रखोगे, आराम से प्रेस करेंगे, देखो कट करके आवाज आया, ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। देखो ये खुल गया है, अब आपको दिखाएंगे इसमें से मेन वायर कौन सा है। अगर मेन वायर में करंट नहीं आता तो इसमें इतना सारा 47 वायर है तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, इसीलिए आपको बताते चलेंगे मेन वायर कौन सा है आपके लिए। देखिए मेन वायर कौन सा है वो आपको बताते चलेंगे। चलो आइए आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो इतने सारे वायर है, कौन सा मेन वायर है आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले इग्निशन ऑन, सबसे पहले ये बताते चलेंगे। देखो ये येल्लो और रेड वाला वायर ये आता है फ्यूज बॉक्स, फ्यूज से डायरेक्ट ईसीयू के लिए आता है, वो आपको दिखाएंगे। जैसे इग्निशन ऑन करेंगे इसमें 12 वोल्ट का करंट आएगा। चलो आइए इग्निशन पहले ऑन करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें डालते हैं तीसरे वायर में, इग्निशन ऑन करिए, इग्निशन ऑन करिए। देखो इग्निशन जैसे ऑन किया वैसे मेन लाइन में करंट आ रहा है, तो मेन लाइन में करंट आ रहा है मतलब ईसीयू से ईसीयू के लिए इनपुट वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है। इसमें मेन रिले नहीं दिया है, इसमें फ्यूज बॉक्स से डायरेक्ट होते हुए ईसीयू के लिए मेन वायर आता है। तो देखो कौन सा वाला वायर है आपको दिखाते चलेंगे, पीला और लाल कलर का है, कन्फ्यूज ना हुए दोस्तों, 47 वायर है तो इससे मतलब ये नहीं कि आपसे नहीं होगा। तो ये मेन वायर है, इसमें 12 वोल्ट का करंट आ रहा है, इसका मतलब है ईसीयू को इनपुट वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। ये इनपुट तो उसको प्रॉपर मिल रहा है लेकिन ईसीयू आउटपुट दे रहा है या नहीं वो आपको दिखाएंगे। आउटपुट किसको देता है, आउटपुट देता है इग्निशन कॉइल को, बाटला कॉइल भी इसे कहा जाता है और बोतल कॉइल भी कहा जाता है और ईओटी सेंसर को भी दिया जाता है। लेकिन आपके प्रूफ के लिए मैं इग्निशन कॉइल के मेन वायर में चेक करता हूँ कि करंट आ रहा है या नहीं, वो अभी आपको दिखा दें। अगर आ रहा है इसका मतलब ईसीयू शॉर्ट नहीं है। चलो आइए ईसीयू को अपनी जगह पर लगाते हैं और मेन वायर को चेक करते चलेंगे बाटला कॉइल के। तो टेस्ट करते चलेंगे। देखो इग्निशन के मेन वायर में डाला है, मेन इग्निशन कॉइल के, और इग्निशन ऑन करेंगे। जैसे इग्निशन ऑन करेंगे 12 वोल्ट का इनपुट सप्लाई आ रहा है किसको, बाटला कॉइल को, तो इसका मतलब है अपना ईसीयू खराब नहीं, तो ईसीयू खराब नहीं है ना ही बाटला कॉइल खराब है, तो प्रॉब्लम क्या है वो आपको बताते चलेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आखिर में अपन लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं। चलो आपको बताते चलेंगे कहां से एग्जैक्टली प्रॉब्लम था, ना ही चूहे ने वायरिंग कराया था ना किसी ने, कहीं सॉकेट डैमेज था वो भी आपको दिखाएंगे। चलो दोस्तों लास्ट में आखिर में पहुंच गया है, यही सेंसर था, साइड स्टैंड सेंसर की वजह से ये इशू आ रहा था, साइड स्टैंड सेंसर का कनेक्शन लूज था इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा था। तो सेंसर को टाइट करेंगे और बराबर प्लेस पे बैठाएंगे, अगर ये प्रॉपर साइड स्टैंड की जगह पे नहीं बैठा रहेगा तो भी गाड़ी में करंट नहीं आएगा। देखिए भाई प्रॉपर आ गया, प्रॉपर चल रहा नहीं था इसीलिए प्रॉपर करंट नहीं दे रहा था और ना ही सेल्फ चल रहा था। देखिए अब आइए आपको लेके चलेंगे, सेल्फ दब रहा है और मेन करंट आ रहा है नहीं वो अभी आपको बताते चलेंगे। तो दोस्तों अब बराबर साइड स्टैंड सेंसर लगा दिया है हमने, अब स्विच ऑन करेंगे और सेल्फ मारिए, प्रॉपर करंट आ रहा है तो बस करिए, फिर से एक बार चालू करिए, फिर से मारिए एक बार सेल्फ। तो दोस्तों आपको सॉल्यूशन तक हमने पहुंच गए हैं, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिला होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।